गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आ रही आवाज? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। मैम निकाल ली थी मैंने। क्या पढ़ोगे आदित्य? अविका मैम। हाँ बोलो मैम। बुक ले, मैं बुक लेकर आती हूँ बस। हाँ लेके आओ जल्दी से। बुक निकाल लियो। यस मैम। हम यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, बताना बताना ठीक है? जब पहले हम लिख लेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? चलिए आदित्य, अभी का यस मैम। जो फर्स्ट वाला लिखा सेंटेंस, चाय गरम है, इसमें विशेषता क्या है बताइए? गरम गरम। क्यों गरम होगा? क्योंकि चाय बहुत गरम है। क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रही है? चाय की। चाय की विशेषता बता रही है कि चाय कैसी है? गरम। ठीक है, सेकेंड वाले में है आम मीठा है, इसमें क्या है विशेषता इसकी आदित्य? मीठा, मीठा होगा। मीठा होगा मीठा। क्यों? मीठा क्यों होगा? क्योंकि आम मीठा होता है, वो आम की विशेषता। क्योंकि हाँ, आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम कैसा है, यहाँ पे मीठा है। ठीक है, मीठा है। नेक्स्ट है, माँ 8 केले लाई, इसमें क्या है विशेषता इसकी? आठ 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 क्या है विशेषता? क्यों? क्योंकि 8 केले लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैम इसमें सांकेतिक आ रहा है। हाँ संख्या संख्या। यहाँ पे संख्या आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका खेलना, हंसना, अनुज, मैं। सेकंड है राधा, दिल्ली, पढ़ना, तुम। थर्ड है आपका सोना, नहाना,
नाचना रमेश और है पिता शोभा उतरना हमारा फिफ्थ है माता नाना रोना ऊंचा। इसमें बताइए क्रिया शब्द क्या है, बता सकते हो? क्रिया शब्द क्या है? पढ़ना, नाचना, लिख रहा है कि नहीं पहले बताओ? नाचना, उतरना, एक एक आदित्य पहले आप बताइए, पहले वाले में क्या होगा? खेलना मतलब क्या होगा हमारा, कौन क्या होगा? ये क्रिया शब्द है, क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्रिया की जा रही है। क्रिया इसमें, अच्छा क्रिया क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? जिस सब जो काम दिन भर में हम सब करते हैं, जो काम हम लोग करते हैं। वेरी गुड। सेकंड है अविका, आप बताइए राधा दिल्ली पढ़ना तुम, इसमें क्या होगा क्रिया शब्द? पढ़ना, पढ़ना। और भी कुछ होगा? नाचना। बताइए सेकंड वाले में, सिर्फ बताइए सेकंड वाले में। सोचना। अविका हमारी बात भी आप सुनिए ना, हम बस कह रहे हैं सेकंड वाले में और कोई क्रिया शब्द होगी? यस मैम। क्या? नाचना। बेटा हम सेकंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसमें बताइए इस वाले में क्रिया शब्द कोई होगी? नहीं होगी। ठीक है थर्ड वाला बताइए आदित्य। सोना, सोना, सोना नाचना, नहाना और नाचना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया शब्द। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में बताइए उतरना, उतरना और उतरना, रोना, 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 रोना। चलिए तो ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी क्रिया शब्द है जो हम दिन भर में क्या करते हैं? करते हैं। ठीक है फिर आप लोगों का है उसके बाद विलोम। विलोम पढ़े हो ना, जानते हो क्या होता है? यस मैम। बताइए क्या होता है विलोम? उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है ऊपर का क्या होगा विलोम? नीचे, नीचे। अच्छा का बुरा, बुरा। गरम का ठंडा, ठंडा, ठंडा। अमीर का अमीर, गरीब, गरीब। ये सब क्या है हमारे? ये सब विलोम शब्द है। ठीक है जो उल्टा अल बताते हैं हमारे। ठीक है बगीचा। ठीक है फर्स्ट है हमारा बगीचा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए उपवन, उपवन और क्या होगा? बाग, बाग।
बाघ, उपवन और बाघ। सेकंड है अग्नि, अग्नि इसका प्रायवाची शब्द क्या है? आग, आग। और क्या होगा आनंद? पावक, पावक। फूल का क्या होगा? पुष्प, पुष्प, पुष्प। और क्या होता है? सुमन, सुमन। ये सब क्या होते हैं? ये सब पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है? जो आपको दिया जाएगा उसका पर्यायवाची शब्द जो आप लोगों को याद रहेगा उसे लिखना, ठीक है? यस मैम। मैम पेपर, मैम पेपर कितनी टाइप करके आएगा? मैम बोलो, आप लोगों का यूनिट टू खत्म हुआ है वहां से आएगा, यूनिट टू जहां तक आ चुका है उसके बाद से। मैम बोलो, पेपर में इंग्लिश लिटरेचर और एवीएस का पीडीएफ भेज दीजिएगा, नहीं आया है। ठीक है, लिटरेचर का भी ठीक है, फिर उसके बाद क्या था हम लोग का? कहानी, कहानी जानते हो, स्टोरी, ठीक है? जो हाँ, उसमें क्या करना था, आप लोगों के लिए ब्लैंक छोड़ा गया था, उसमें जो आता शब्द उसको फिल करना था, ठीक है? यही इसमें बताया गया था। दूसरे वाले में क्या था कि आपको एक पिक्चर दी गई रहेगी, उसे देख के बताना रहेगा कि इसकी कहानी क्या है, ठीक है? मैम पेपर कितने से स्टार्ट है? आप लोगों को पता चल जाएगा पेपर कब से है। अब लास्ट है, आप कब चलते हैं? पत्र लिखें, ठीक है? जानते हो क्या होता है? बताइए क्या मेथड बताया थे इसका लिखने का, क्या प्रारूप होता है इसका, नमूना क्या है? बताइए अविका, पत्र किस तरह लिखा जाता है अगर आपको दिया जाए? अब मेरी बात सुनिए, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए, अब मेरी बात सुनो। हमने दिया है आपको कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है? दो दिन का, कैसे लिखेंगे बताइए? मैम अवकाश के लिए, मैम डेट भी लिखनी है। हाँ बताओ कैसे करते हैं हम लोग, पहले क्या आता है हम लोग? दिनांक, फिर उसके बाद प्राधान्याचार, जिसको हम लिख रहे हैं, ठीक है? जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, ठीक है? प्रधानाचार्य, वे कहाँ रहते हैं? वे कहाँ रहते हैं? वे कहाँ रहते नहीं होता है, ठीक है? आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम आएगा कि आप जिस स्कूल में हैं, ठीक है? तो क्या है आपके स्कूल का नाम? डिवाइन हार्ट स्कूल, डिवाइन हार्ट स्कूल, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? दिनांक आ गया, फिर उनका नाम, फिर स्कूल का नाम, फिर क्या आता है? नहीं, विषय आता है, ठीक है? कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, ठीक? फिर क्या आता है उसके बाद? विषय के बाद क्या आएगा कि हमने जिसके बारे में लिखना है, फिर हम उनको जो संबोधित करते हैं उसका नाम महोदय या महोदया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ? जो हम लिख रहे हैं, हाँ, जो हमें लिखना है कि हमें छुट्टी क्यों चाहिए, हम किस लिए लिख रहे हैं, वो आएगा। और फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा? दे,
लास्ट में क्या आता है? नाम। धन्यवाद। पहले हम उनको क्या करेंगे? थैंक यू बोलेंगे और फिर उसके बाद धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया नहीं, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी है छात्र छात्रा उसका नाम। ठीक, समझ गया? ऐसे लिखा जाता है। अगर इसके जगह जन्मदिन पे आ जाए तो वैसे ही लिखा जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो आप यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखे वहां पे क्या आ जाएगा? प्रिय सखी, प्रिय मित्र। ठीक है, विषय नहीं रहेगा। yes. धन्यवाद नहीं करोगे आप। ठीक है, फिर क्या था? निबंध याद है आप लोगों को? निबंध। यस मैम। इस पे याद? यस मैम। बताइए याद हुआ है कि नहीं अभी तक? बताओ। यस मैम। बताओ बताओ भाई का, पहले तुम बताओ। यस मैम। बताइए क्या मैम? निबंध किस पर याद की हो? निबंध आएगा आप लोगों के पेपर में तो कैसे लिखोगी? किसी भी टॉपिक पे आ जाएगा तुम। चलिए हम यहाँ पे निबंध दे रहे हैं, टॉपिक का नाम बताइएगा इससे। मेरी प्रिय मित्र। चलिए बताइए अभी का निबंध में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगी? मैम मैं बताऊं? बताओ आदित्य। मैम मेरे मित्र का नाम। कैसे लिखोगे पूरे सेंटेंस बताओ? हम जानते हैं आपके मित्र का नाम, बताइए कैसे होगा? फिर उसके बाद मेरे मित्र का नाम फिर क्या आएगा? वो पढ़ने भी तेज है। और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फिर उसके बाद वो हमेशा प्रथम आता है। वेरी गुड। और क्या ऐड करोगे? वो हमेशा मेरी मदद करता है। वो हमेशा तुम्हारी मदद करता है। और उसका घर मेरे घर के पास है। और क्या आएगा? पहले आप क्या करोगे, उसका नाम बताओगे। ठीक है, फिर आप बताओगे कि वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हाँ ये भी बताओगे, स्कूल में मेरे साथ आता है, मेरे घर के बगल में रहता है। ठीक है, उसे फ्रेंड्स की क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए वो प्रिय है, क्यों बना, सब लिखोगे। ठीक है, उसे क्या नीला? बोलो। उसे नीला बहुत पसंद है। तो आप इस पे लिखोगे। ठीक है, आपको कोई भी दे दिया जाएगा टाइटल या टॉपिक। ठीक है, तो आप उस पे क्या कहोगे, 10 से 15 लाइन लिखोगे। निबंध में क्या होता है, 10 से 15 लाइन में लिखी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों का ये कंप्लीट है। तो अब आप लोगों को क्या करना है बताओ? मैम लाइन। हाँ, पूरा चैप्टर क्या करना, अच्छे से याद करना है। ठीक है, पेपर होने वाला है, नाइन चैप्टर से। ठीक है, पूरा 16 चैप्टर तक। हाँ, और कुछ पूछना है इसमें तुम लोग को? नो मैम। कुछ पूछना हो तो बताओ, जो ना समझ में आ रहा हो। अच्छा, जो ये वाला चैप्टर है 14 चैप्टर, 48 पेज नंबर खोलो। मैम खोल लिया चैप्टर नंबर 14।
48 पेज नंबर पे है ना? यस मैम। अच्छा, पहला वाला जो चित्र बना उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। दूसरे वाले में? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी हैं। थर्ड वाले में? दिवाली बच्चे मना रहे हैं। और क्या हो सकता है? इसमें देखो कई चीजें हो रही हैं, तो और क्या क्या हो सकता है? और कुछ लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। कुछ लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। और कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं। और भी कुछ हो रहा है इसमें? और बच्चे दीपावली बना रहे हैं। दिया जलाई जा रही है ना? जल रहा है। फोर्थ वाले में क्या है? पेड़ बहुत बड़ा है और उसके आसपास थोड़ी सी घास है। और क्या है? और रंग हरा है। वेरी गुड। फिर लास्ट में जो है मोर है बना है, उसमें क्या हो रहा है? मोर नाच रही है। मोर नाच रहा है। और इसमें कौन सा भाव हुआ है? इसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? झूला झूल रहा है। गुब्बारा वाला क्या कर रहा है? गुब्बारा गुब्बारे बच्चे उससे गुब्बारे ले रहे हैं। बच्चे उससे क्या कर रहे हैं? गुब्बारे खरीद रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। और एक बच्चा झूल रहा है। कई पंछी उड़ रहे हैं। और भी कुछ हो रहा है इसमें? देखो पक्षी क्या कर रहे हैं आकाश में? उड़ रहे हैं। आम का पेड़ है। और क्या है चारों तरफ? और आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। और फूल भी लगे हुए हैं ना? यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? याद कर लीजिए पूरे चैप्टर जहां तक आ रहा है आप लोग का, ठीक है? लिटरेचर में भी आप लोग का 10 से 15 तक आएगा, उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? यस मैम। चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू।